व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज आपका भैया शालामार बाग नए व्लॉग के साथ, और मेरे साथ हैं इधर सलमान भाई। क्या हाल है सलमान भाई? ठीक हो? और अल्लाह का शुक्र। और अभी हम जाएंगे शालामार बाग के अंदर। ये अभी थोड़ा सा बाहर वाली साइड है, इधर आप देख सकते हैं। अभी हमने इधर टिकट वगैरह पे कर दी है, और अभी चलते हैं हम शालामार बाग के इन साइड। ओके, लेट्स गो। नहीं जी गाइस, तो शालामार बाग के अंदर आपका भाई आ चुका है, और जैसा कि इधर हमारे साथ सलमान भाई भी हैं। ये हमारे घर के काफ़ी करीब है। काफ़ी देर से मेरा इरादा था शालामार बाग का व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं था मिल पा रहा, और अभी पेपर्स भी एंड हो गए हैं, बिल्कुल फ्री हूँ। आज भी वैसे लेजीनेस की वजह से छोड़ने वाला था मैं व्लॉग, लेकिन फिर भी सलमान भाई काफ़ी अरसे से कह रहे थे भाई जाना है जाना है। सलमान भाई थैंक यू, जो भाई फोर्स कर रहे थे मुझे, वरना शायद मैं अगेन स्लो मतलब लेजीनेस की वजह से ना फिर आज मिस कर देता। लेकिन मैं आज जल्दी उठ गया था, और देन फिर मैंने कहा चलो अभी 7:30 बजे हैं, तो अभी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं शालामार बाग। वैसे तो हम लोग आगे भी आते थे, एक बचपन में आया करते थे इधर वॉकशॉप करने, भी बहुत ज़्यादा आता रहा हूँ मैं। और मतलब अभी जो वॉक की जॉगिंग शॉगिंग वाली वहाँ में, रनिंग वाली वहाँ में, वो तो जा चुकी है। एक्सरसाइज वाली कुछ है अभी भी लोग जो वॉक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जा चुके हैं, क्योंकि धूप वगैरह निकला है। कुछ लोग अभी वैसे वॉक कर रहे हैं, और कुछ लोग बंकर्स, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बंकर्स, वो भी इधर बहुत आते हैं स्कूल कॉलेज से बंक करके। यूनिवर्सिटी वालों को तो वैसे ही जरूरत नहीं है, जैसे कि ये बंदा जा रहा है, ये बैग हैग लिया हुआ लड़के ने, तो उसके लिए भी काफ़ी फायदा है। सलमान भाई भी आते ही होगी, ये भी कॉलेज स्टूडेंट है, ये भी आती होगी रात ही बंक करके। और मैं भी जब स्कूल में था, और मोस्टली हम इधर आते, लेकिन तब ना, अब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तब ये होता था कि आई थिंक सो 1 बजे से पहले स्टूडेंट नहीं था आ सकता यूनिफॉर्म वाला बच्चा। अभी भी है? हाँ, 11 बजे तक अभी स्टूडेंट नहीं आ सकता इधर, मतलब स्टूडेंट से मतलब यूनिफॉर्म में कोई नहीं आ सकता। हाँ, यूनिफॉर्म के बगैर जैसे मर्जी आ जाओ, यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते, तो ताकि बंक बच्चे जो बंक मार के आते हैं वो आ ना पाए, इसलिए थोड़ी सी सख्ती की हुई है। और लेट्स गो। शालामार बाग जीटी रोड और भगवानपुरा के इलाके में वाक़ है। इसके 2 मेन दरवाजे हैं, और इसके अलावा इसका टोटल रकबा जो है 42 एकड़ है, और ये 6 लाख उस वक़्त के 6 लाख रुपए में तमीर किया गया था शाहजहां की जानिब से। इंडिया में उस टाइम इंडिया में 3 सेम शालामार बाग के नाम से, शालामार गार्डन के नाम से बाग बनाए गए। एक जो था वो कश्मीर में, दूसरा दिल्ली में, और तीसरा इधर लाहौर में। अगस्त 1981 में यूनेस्को की तरफ से इस शालामार बाग को आलमी सकाफती विरसे के तौर पे उसको में ऐड किया गया, और ये लाहौर का लिए लाइक मुगलिया तर्ज अमल का एक बेहतरीन नमूना है शालामार बाग। और इसमें काफ़ी सारी झीलें वगैरह, शावर्स वगैरह लगाए गए। इसकी तामीर 1641 में शुरू की गई, और 1642 में यानी 1 साल के अंदर इसको कम्प्लीट कर दिया गया। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। तीनों तख्ते अलग अलग हैं, जिनके नाम फैज़ बख्श, हयात बख्श और फरा बख्श रखे गए। शालामार बाग में 400 से ज़ायद फवारे, 15 आबशार। ये फवारे गर्मियों के मौसम में जगह ठंडी करने के लिए लगाए गए थे। यहाँ पर 5 खूबसूरत 12 दरियाँ भी हैं। बाग को सैराब करने के लिए बादशाह के हुक्म पर भारत से 160 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई, जिसे शाह नहर का नाम दिया गया। शालामार बाग के सब्ज़े के लिए पौधे और दरख्त कंधार और काबिल से मंगवाए गए। यहाँ पर मौसम सरमा और मौसम गर्मा के मुख्तलिफ फ्रूट्स वाले फलों फलदार दरख्त लगाए गए।
बाग के एक हिस्से में संगमरमर का नहायत ही खूबसूरत तख्त बनाया गया जहां बादशाह आकर अपना दरबार लगाया करता था। संगमरमर से ये जगह बनाई गई जहाँ पर चिराग दीवे रखने के लिए और रात को ये बहुत ही खूबसूरत समा बना देते थे। नहायत ही खूबसूरत ये चबूतरा था और यहाँ से नीचे वाली दो सतह देख सकते थे शालमार बाग। ये सबसे टॉप फ्लोर था, टॉप सतह थी, तो यहाँ से नीचे दूसरी सतहें आसानी से देखी जा सकती थी। तो यह सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए हम दूसरी सतह पर जाएंगे और नीचे वाली सतह पर इधर हम आ चुके हैं। और अगर इधर देखें नज़ारा, अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत, और इधर अभी पौधे लगे होते हैं सामने सारे में इधर, जो इधर अभी मौसम की वजह से नहीं लगाए। बादशाह ये बाग की सैर व तफरी के लिए आया करता था और इसका जो इंटीरियर है वो संगमरमर और संगे सुरह से बनाया गया है और बाग की देखभाल महकमा आसार कदीमा कर रहा है। जी गाइस, तो इधर से हम ऊपर जा रहे हैं, पीछे से सलमान भाई जा रहे हैं, वो गाड़ी से हम सीढ़ियों से जाएंगे। और ये लो जी, आय हाय आय हाय आय हाय, और उधर अभी सलमान साहब निकल रहे हैं। और उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो गाइज जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा व्लॉग और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।